संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपने करीब एक घंटे के अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तमाम मुद्दों को शामिल किया अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछला वर्ष यूरोप और अनेक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत के लिए भी कठिन रहा है लेकिन सरकार ने इस स्थिति से उभरने के लिए निवेश गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश वातावरण को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों में अनेक उपाय किए हैं Has been a very difficult one for the global economy. Europe is in recession. Most emerging markets are growing very slowly. It has been a difficult year for India also. Both global and domestic factors have affected our growth. We need to address the impact of both. My government has responded to the situation. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली सरकारी सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी इससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों जैसे छात्रवृत्ति पेंशन और मातृत्व लाभ को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा सकेगा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मुख्य जोर बुनियादी सुविधाओं के विकास पर है लेकिन इसके लिए अत्यधिक निवेश की जरूरत होगी उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में निवेशकों के बीच माहौल सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं सरकार ने चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की पांच दशमलव तीन प्रतिशत की दर पर सीमित करते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित की है सरकार माल एवं सेवा कर के संबंध में आम सहमति कायम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है माय गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए रोड मैप फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग द करंट ईयर फिजिकल डेफिसिट एट 5.3 परसेंट ऑफ द जीडीपी द गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू रीच ए कंसेंसस ऑन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स महिलाओं की सुरक्षा के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2012 संसद में पेश किया है यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है जस्टिस जे एस वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है देश के कुछ भागों में पिछले दिनों सांप्रदायिक घटनाएं देखी गईं। सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयासों को विफल करने के लिए कृत संकल्प है सरकार वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए भी प्रतिबद्ध है Some parts of our have past My is to thwart any attempt at disturbing our communal peace and harmony my government is committed to dealing with the left wing extremism in a comprehensive manner it is pursuing a two pronged approach of conducting proactive and sustained operations against extremists and focusing attention on development of governance issues in extremist affected areas राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता ईमानदारी सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु तो सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है इस दिशा में सरकार विसिल ब्लोवर प्रोटेक्शन विधेयक विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है और ये विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं संसद के बजट सत्र का पहला दिन ठीक बीता। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई और एक घंटे के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 114 बिंदुओं पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया अब देखना होगा कि सरकार के पिटारे में रेल बजट और आम बजट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है सुधाकर दास राजेश राज और श्र मिश्र व अपने कैमरा सहयोगी आईपीएस पी अलुवालिया के साथ मनोज टिबले वाला आकाश डीडी डी न्यूज दिल्ली